इधर से इधर। बिरला साहब, मैं इस सहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। पहली तो बात ऐसी कि आपको हमने 5 वर्ष से अनुभव लिया है, पुराने सदन में, नए सदन में, और दोबारा फिर उस न्यायाधीश जैसे पद पर विराजमान हुए हो, दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अपेक्षा करता हूं कि जिस ढंग से कुछ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ कानून पास किए गए, उस कानून में एक कानून पास गया इलेक्शन कमिश्नर का। वो कानून भी जब हम सस्पेंड हुए थे तब पास हुआ, जिसमें न्याय देने की प्रक्रिया जहां होती है, कानून बनाने वाले हम हैं, और वही कानून जब बदल जाते हैं तभी तो संविधान की बात आती है। और संविधान की सुरक्षा के लिए इंडिया अलायंस बना। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं, हर हम जब बोलते तो शब्दों में भी, और खास करके सत्ता पक्ष, शब्दों में जान होनी चाहिए, शब्दों में शान भी होनी चाहिए, और वचन पूर्ति जो दी है हमने करनी चाहिए, जो जो वचन हमने दिए है वो करनी चाहिए। हमने देखा है कि संकट काल में भी जब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है। अभी सभी अब अपेक्षा करते हैं, उन्होंने सेक्युलर शब्द किया, मैं समानता से, स्वतंत्र समानता, ये सारा हमें संविधान ने दिया हुआ है। और चाहता हूं, बस एक अपेक्षा करता हूं, व्हाट वी नीड इज हार्मनी, नॉट द हैट्रेड। हम हार्मनी चाहते हैं, हैट्रेड नहीं चाहते हैं। और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं वो दीवारें यहां टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है, किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जता दी जाइए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रस्ते पे घूम रहा है फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहे फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सदन चले, हमारी आवाज आपके तरफ आ जाएगी, तब अपेक्षा करते हैं आप हमें अनुमति दें, और आश्वस्त करते हैं ये सदन चलना ही चाहिए, कोई दोबारा उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदन किस लिए चले, सर्वसामान्य जनता को न्याय मिलना चाहिए, वही अपेक्षा करता हूँ। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे, संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।